अब ये जानते हैं कि इस बार सावन दो बार क्यों आ रहा है, सावन दो महीने तक क्यों है। देखिए, इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। क्या होता है अधिक मास? सूर्य की संक्रांति और चंद्र मास को मिला करके हर साल में हिंदू कैलेंडर में 11 दिन ज्यादा हो जाते हैं। ये 11 दिन हर तीसरे साल एक महीना बढ़ा देते हैं और इस बार ये एक महीना जो बढ़ा है वो सावन के महीने में बढ़ा है। इसीलिए सावन के महीने में एक महीना और रहेगा अधिक मास का। अधिक मास को पहले बहुत ज्यादा अशुभ मानते थे, लेकिन बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस महीने में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। एक तो सावन का महीना वैसे ही पवित्र होता है, ऊपर से उसमें अधिक मास आ गया तो इसकी पवित्रता और बढ़ गई। तो सावन में भगवान शिव की और अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना होगी और इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत बेहतर होंगे, बहुत उत्तम होंगे। इस बार सावन में अधिक मास जो है ये 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और लगभग 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस बार सावन में भगवान शिव की पूजा भी होगी और भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। है कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सावन में पूजा कैसे करेगा? देखिए, आप पूरे सावन में उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, कम से कम सावन के जितने सोमवार हैं उन सोमवार को उपवास जरूर रखिए और शिवलिंग पर रोज सुबह उठ करके पहले स्नान करके शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिए। अगर दूध अर्पित करना चाहते हैं तो एक लोटे जल में एक चम्मच दूध मिला के अर्पित करिए और तांबे से दूध अर्पित मत करिए। तो जब शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर लेंगे, इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे या शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करेंगे। जब आप सुबह की ये पूजा कर लेंगे, इसके बाद जलपान या फलाहार करेंगे। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एक दाना पहनना चाहें तो वो भी सावन से शुरू करें और अगर रुद्राक्ष की माला पहनना चाहें तो वो भी सावन से शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सावन के महीने में दो काम जरूर करिए। एक, रुद्राक्ष जरूर पहन लें, बहुत बढ़िया होगा। और दूसरे नंबर पे सावन में एक बार या दो बार समय निकाल करके रुद्राभिषेक अगर आप करवा लें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। अब देखिए, सावन के महीने में दो बातों का आप और प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सावन में जितने दिन भी मौका मिले सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और शाम को उसी मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए। ऐसा अगर लगातार 11 दिनों तक करें तो आप किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। सुबह के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शाम के समय उसी शिव मंदिर में घी का एक दीपक आपको जलाना चाहिए।